हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम इरिगेशन एंड कैनाल्स को कवर करेंगे। तो देखिए, इंडिया का जो लोकेशन है, इंडिया सिचुएटेड है कहाँ पे? सब ट्रॉपिक क्लाइमेट एरिया में। कहाँ पे है? सब ट्रॉपिक क्लाइमेट एरिया में है। मैक्सिमम एरिया ऑफ द कंट्री कम्स अंडर द हाई टेम्परेचर जोन। ठीक है, हाई टेम्परेचर जोन में आता है हमारा मैक्सिमम एरिया। ठीक है ना, ये हमारे लिए बेनिफिशियल भी है कहीं ना कहीं। ठीक है ना, अब अगर आप सोलर एनर्जी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए तो हमारे लिए एक बहुत अच्छी चीज़ है ये। लेकिन ये जो हमारा सब ट्रॉपिक क्लाइमेट एरिया में आता है और हाई टेम्परेचर जोन में आता है, एक्सेप्ट फॉर वेस्टर्न हिमालयाज, नॉर्थ ईस्टर्न असम एंड मेघालय एंड सम पार्ट ऑफ साउथ इंडिया। ठीक है, हाई एवेपोरेशन ऑकर्स ड्यू टू द हाई टेम्परेचर। तो जैसे हमारे यहाँ जो मैंने ये भी इरिगेशन, हमने रेनफॉल में क्या पढ़ा था, प्रेसिपिटेशन जो होता है वो लिमिटेड सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम के लिए होता है, 4 मंथ्स के लिए नियर अबाउट हमारे यहाँ पे होता है। बाकी के जो मंथ्स होते हैं वो बहुत कम रेनफॉल होता है, मिनिमम आप समझ लीजिए मिनिमल रेनफॉल होता है। तो 4 मंथ्स में जो रेनफॉल होता है वो जो है सडन रेनफॉल होता है और बहुत तेज़ होता है। ठीक है ना, लेकिन टेम्परेचर ज़्यादा होने की वजह से जो रेनफॉल है उसका प्रेसिपिटेशन हो जाता है। ठीक है, वाष्पीकरण हो जाता है। ठीक है, तो हाई वेपरेशन है ड्यू टू हाई टेम्परेचर। Therefore, there occurs need for irrigation to fulfill the deficient of the moisture, fulfill the deficit of the moisture in sown crops. ठीक है, तो आप देखिए जो क्रॉप्स हैं उनको तो 4 मंथ्स की ज़रूरत है नहीं, उनको बोलो ऑल ओवर ईयर उनको चाहिए वाटर। तो उसको सप्लाई करने के लिए, उनको मॉइस्चर देने के लिए हम इरीगेशन का जो है क्या करते हैं, माध्यम अपनाते हैं। ठीक है, इन 2013-14 ओनली अबाउट 47.7%, सोचिए 50% से भी कम, 47.7% ऑफ द टोटल एग्रीकल्चर लैंड इन इंडिया वॉज इरीगेटेड। ठीक है ना, तो ये जो हमारा है ट्यूबल, अब ये इंपॉर्टेंट है ये चीज़, ट्यूबल इज़ द मेन सोर्स ऑफ इरीगेशन इन द कंट्री। अगर कंट्री ओवरऑल की बात करते हैं हम तो ट्यूबल जो है वो मेन सोर्स है, ट्यूबल जो है वो मेन सोर्स है। आपको क्वेश्चन में क्या बताना है, आपको बताना है यूपी में कौन सा सिस्टम हम यूज़ करते हैं, उत्तर प्रदेश में इरीगेशन के लिए, और बिहार में कौन सा यूज़ करते हैं, सबसे ज़्यादा कौन से मीडियम से इरीगेशन किया जाता है। ठीक है ना, तो ट्यूबल है, टैंक्स हैं, ठीक है, बेल्स हैं, तो कौन से मीडियम से यूपी और बिहार में किया जाता है और कितना परसेंट किया जाता है, ये आपको बताना है। तो देखिए, ट्यूबल इज़ द मेन सोर्स। अगर हम कंट्री की बात करें तो मेन सोर्स है इरीगेशन का। 45.70% ऑफ टोटल इरीगेट जो एरिया होता है इरीगेटेड बाय ट्यूबल्स। ठीक है, अगर 100% है तो उसमें से 45% सिर्फ ट्यूबल से अकेले हो जाता है। ठीक है, बोथ ट्यूबल्स एंड बेल्स इरीगेट 62.32%। अब दोनों को अगर हम मिला दें, ट्यूबल और बेल्स को, तो 62.32% तक पहुँच जाएगा। ठीक है, टोटल इरीगेटेड एरिया ऑफ द कंट्री। एंड 23.90% इरीगेटेड लैंड इज इरीगेटेड बाय द कैनाल्स। ठीक है, कैनाल्स का यूज़ 23.90% जो है कैनाल से हम इरीगेट करते हैं, 2.70% बाय टैंक्स। ठीक है, रिमेनिंग इरीगेटेड लैंड इज इरीगेटेड बाय अदर मीन्स। ठीक है, इंडियन इरीगेशन प्रोजेक्ट कैन बी क्लासिफाइड इनटू 3 ग्रुप्स। कौन सा है? पहला हमारा है माइनर इरीगेशन प्रोजेक्ट। ठीक है, लेस देन 2000 हेक्टेयर्स एरिया इज लिमिटेड अंडर दिस प्रोजेक्ट। अब ये है बेल्स हैं, ट्यूबल्स हैं, पॉन्ड्स हैं, पम्प सेट है, ड्रिप इरिगेशन है, स्प्रिंकलर्स हैं। ठीक है ना, माइनर इरिगेशन प्रोजेक्ट फुलफिल 62% ऑफ द डिमांड इरिगेशन इन इंडिया। तो आपको मुझे ये भी कमेंट सेक्शन में अगर आप चाहिए तो बता सकते हैं कि कौन सा इरिगेशन की टेक्नोलॉजी हम कहाँ से सीख रहे हैं, कौन सी कंट्री की हेल्प से हम जो है जो इरीगेशन फैसिलिटीज़ हम अपने इंडिया में इम्प्रूव कर रहे हैं। ठीक है, तो ये हो गया। नेक्स्ट हमारा है मीडियम इरीगेशन प्रोजेक्ट। तो ये 2000 से 10,000 और जो है आपका ये जो पहला हमारा माइनर था वो 2000 हेक्टेयर के लिए था, ये 2000 से 10,000 हेक्टेयर के लिए है। और ये जो है थर्ड हमारा है मेजर इरिगेशन प्रोजेक्ट, ये मोर देन 10,000 हेक्टेयर्स के लिए है। ठीक है, एरिया इज इरीगेटेड अंडर दिस प्रोजेक्ट एंड 34% ऑफ द टोटल नीड ऑफ द इरीगेशन ऑफ द कंट्री इज फुलफिल्ड बाय द मेजर इरीगेशन प्रोजेक्ट। ठीक है, 38% जो है 38% जो है हम कैसे फुलफिल करते हैं, मेजर जो है इरीगेशन प्रोजेक्ट से। अब गंगा कैनाल की बात करेंगे। देखिए, गंगा कैनाल इज़ वन ऑफ द वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट एंड मोस्ट डेवलप्ड कैनाल। क्या है ये? वन ऑफ द वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट, वर्ल्ड का सबसे पुराना और मोस्ट डेवलप्ड कैनाल है गंगा इरिगेशन कैनाल। इट वाज कंस्ट्रक्टेड इन द ईयर 1927 बाय द श्री गंगा सिंह। ठीक है, देन महाराजा ऑफ बीकानेर, तो ये बीकानेर के महाराजा थे श्री गंगा सिंह। ठीक है, इट अरोज फ्रॉम द हुसैनीवाला। ठीक है, हुसैनीवाला नियर द रिवर सतलुज फ्रॉम फिरोजपुर। तो ये कहाँ से स्टार्ट होता है? हुसैनीवाला से, सतलुज रिवर के नियर सतलुज रिवर फ्रॉम फिरोजपुर। ठीक है, ईस्टर्न द यमुना कैनाल, यमुना कैनाल इज लोकेटेड नियर द लेफ्ट बैंक ऑफ द यमुना, नियर द ताजवाला। ठीक है, ताजेवाला के पास से यमुना कैनाल निकलता है, ताजेवाला। तो थोड़ा सोर्स ध्यान रखिएगा, हुसैनी कैनाल से जो है आपका गंगा कैनाल और यमुना कैनाल ताजेवाला से। The length of the main canal is 197 km. This canal system provides the irrigation facility to the Hindon. After its revival, the canal started functioning in 1830 AD. At that time, the water discharge from this canal was 800 cubic. ठीक है? Over time, it has been increased to 4,000 cubics. To solve this problem, the Hathni Kund barrage has been constructed over 3 किलोमीटर from तेजावाल। ठीक है, फर्दर जो प्रॉब्लम थी उसको सॉल्व करने के लिए हथनी कुंड बैराज बनाया गया। कहाँ से? तेजावाल से 3 किलोमीटर दूरी पे है ये। द कंस्ट्रक्शन ऑफ अपर गंगा कैनाल वॉज डन इन द पीरियड ऑफ 1842 AD. सर P.T. Catley वॉज द फादर ऑफ दिस प्रोजेक्ट। किसका? अपर गंगा का। ये भी याद रखिए, अपर गंगा कैनाल काफ़ी इंपॉर्टेंट है इरीगेशन के लिए, तो ये याद रख लीजिए किसने किया था। ये आपका सर P.T. Catley जो है फादर थे अपर गंगा जो कैनाल के प्रोजेक्ट के। ठीक है, द वाटर वॉज डिस्चार्ज फ्रॉम द फर्स्ट टाइम ऑन अप्रैल 8, 1945 इन दिस कैनाल। तो ये सब इंपॉर्टेंट नहीं है, बट हाँ अब हम नोट्स कर रहे हैं। हम जो है जैसे देखिए ये जो हमारा घटना चक्र है उसको हम एज इट इज़ जैसा है वैसे ही हम कंप्लीट करेंगे, तो उसमें हम छोड़ेंगे कुछ नहीं, लेकिन ये इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है ना, ये आपको जानने की ज़रूरत नहीं है, जो चीज़ ज़रूरत नहीं है उसको जो है माइंड में रख के और जो है बहुत सारा स्टफ क्रिएट करना, ये कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। तो इट्स स्टार्ट्स फ्रॉम द प्लेस कॉल्ड द भीमगोडा इन हरिद्वार। ठीक है, ऑन द बैंक ऑफ द रिवर गंगा। द लेंथ ऑफ द मेन कैनाल इज 298 किलोमीटर एंड द टोटल लेंथ ऑफ द कैनाल इज 6496 किलोमीटर। तो अब अप्रॉक्सीमेटली आपको पता रहना चाहिए कि टोटल जो लेंथ है कैनाल की कितनी है, वो 6496 किलोमीटर, ध्यान रख लीजिएगा। इरीगेशन फैसिलिटी इज बीइंग प्रोवाइडेड एट हरिद्वार। ठीक है, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, मेरठ भी, ये सब ध्यान रखिएगा कौन कहाँ से जो है इरीगेशन फैसिलिटी कहाँ कहाँ को जा रही है। ठीक है, हरिद्वार, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, मेरठ, गाजियाबाद, बुलंदशहर, अलीगढ़, एटा, ठीक है, मथुरा, फिरोजाबाद और मैनपुरी, आगरा डिस्ट्रिक्ट्स बाय दिस कैनाल सिस्टम। इनिशियली दिस कैनाल सिस्टम वाज आल्सो यूज्ड फॉर द वाटरवेज इन एडिशन टू इरिगेशन। ठीक है, 200 क्यूसेक ऑफ वाटर फ्रॉम दिस कैनाल सिस्टम इज प्रोवाइडेड टू दिल्ली। तो दिल्ली से भी दिल्ली को भी पानी आता है। ठीक है, यहाँ इस कैनाल सिस्टम से। एंड 100 क्यूसेक वाटर इज गिवन टू द हरदुआगंज थर्मल पावर प्लांट। ठीक है, तो इसमें से 100 क्यूसेक वाटर हरदुआगंज में भी दे दिया जाता है। अभी हम जब क्वेश्चन आंसर करेंगे सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, अगर ये थोड़ा सा फैक्चुअल टाइप का बहुत ज़्यादा है। देखिए, शारदा मेजर कैनाल हैज़ बीन कंस्ट्रक्टेड ऑन द राइट बैंक ऑफ द रिवर शारदा नियर द बनबासा इन नैनीताल। ठीक है, कहाँ पे? बनबासा में, नैनीताल में। ठीक है, शारदा मेजर कैनाल की बात कर रहे हैं। इन ऑर्डर टू प्रोवाइड प्रोटेक्टिव इरीगेशन फैसिलिटी टू द डिस्ट्रिक्ट ऑफ पीलीभीत, रायबरेली, लखीमपुर खीरी, ठीक है ना, शाहजहाँपुर, हरदोई, उन्नाव, लखनऊ, बाराबंकी, रायबरेली, प्रतापगढ़, फैजाबाद, सुल्तानपुर, जौनपुर, आजमगढ़, गाजीपुर। ठीक है, तो ये सब ध्यान रखिएगा जो नेम्स हैं। The length of the main canal is 44.3 km and the total length of the Sarda canal system is 9961.3 km. Lower Ganga canal starts from the Narora. ठीक है, बुलंदशहर, नरोरा। कहाँ से स्टार्ट होता है? लोअर गंगा, बुलंदशहर, नरोरा। Its construction work was completed in 1878 AD. The length of the main canal is 100 km and the total length of the canal is 8278 km. The foundation stone of the Indira Gandhi कैनाल प्रोजेक्ट वॉज लेड बाय द होम मिनिस्टर गोविंद बल्लभ पंत। ठीक है, तो इंदिरा गांधी जो गोविंद कैनाल है, ये जो है इसका जो फाउंडेशन स्टोन था इज लेड बाय होम मिनिस्टर गोविंद बल्लभ पंत इन मार्च 30, 1958। इट ओरिजिनेट्स फ्रॉम हरिके डैम। ठीक है, तो हरिके डैम से ये जो इंदिरा गांधी कैनाल है वो हरिके डैम से जो है ओरिजिनेट हो रहा है एंड सिचुएटेड एट द कॉन्फ्रेंस ऑफ द सतलुज एंड ब्यास इन पंजाब। ठीक है, तो हरिके डैम जो है कहाँ पे है? पंजाब में है, सतलुज और ब्यास के कॉन्फ्रेंस पे। इट इज़ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट कैनाल प्रोजेक्ट। तो इम्पोर्टेंट है कौन सा? इंदिरा गांधी कैनाल प्रोजेक्ट इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट कैनाल प्रोजेक्ट। ठीक है, इट्स टोटल लेंथ इज 649 किलोमीटर। अब नेक्स्ट हमें क्या करना है? नेक्स्ट करना है द कैनाल मेनली इरीगेट्स गंगानगर, बीकानगर, जोधपुर, जैसलमेर डिस्ट्रिक्ट ऑफ वेस्टर्न राजस्थान। अंडर द गंडक प्रोजेक्ट 740 किलोमीटर लॉन्ग बैराज वॉज बिल्ट नियर द त्रिवेणी घाट एंड गंडक रिवर। ठीक है, द कंस्ट्रक्शन ऑफ फरक्का बैराज। फरक्का बैराज की बात करें तो डन इन 1975 विद द एम ऑफ स्टॉपिंग एक्यूमुलेशन ऑफ सिल्ट्स ऑन द हुगली रिवर। ठीक है, तो हुगली रिवर जो है वो सिल्टेशन ज़्यादा हो जा रहा था, तो इसको उसकी वजह से फरक्का बैराज बनाया गया। 840,000 क्यूसेक वाटर ऑफ द गंगा रिवर वॉज टर्न टुवर्ड्स द हुगली रिवर बाई द कैनाल डिराइव फ्रॉम द राइट बैंक ऑफ द बैराज। ठीक है। 10 इरीगेशन प्रोजेक्ट हैव बीन कंप्लीटेड ऑन द भरतपुझा रिवर एंड द ट्रिब्यूटरी ऑफ द पलक्कड़ डिस्ट्रिक्ट इन केरला। ठीक है। कौन कौन सा है? मंगलम इरीगेशन प्रोजेक्ट वन ऑफ देम। ठीक है। फिर है हमारा गार्लैंड कैनाल सिस्टम वॉज प्रपोज बाय द कैप्टन दिनशा जे दस्तुर। ठीक है, दस्तुर। और नेक्स्ट हमारा वेयर इज द आइडिया ऑफ लिंकिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट था, आइडिया ऑफ लिंकिंग, और ये अभी भी जिस तरीके से कंप्लीट होना चाहिए था अभी वो इनिशियल ही फेज में नहीं आ पाया है। तो आइडिया ऑफ लिंकिंग ऑफ द रिवर वॉज फर्स्ट प्रपोज बाय द इरिगेशन इंजीनियर विश्वेश्वरैया। बहुत ही इंपॉर्टेंट है विश्वेश्वरैया, और ये जो है उनके द्वारा दिया गया है। ये लेटर द नेम LK Rao was added into it. Then Prime Minister Atal Bihari Vajpayee inaugurated the development of the Hariali related to the, अभी ये जो है वाजपेयी जी से जो है related हरियाली project। ठीक है ना। Related to the water storage on the 27th, अब हरियाली किससे है तो water storage से संबंधित है। ठीक है। On January 27th 2003 under this project the people are encouraged to conserve water in rural areas, हरियाली project के अंदर। ठीक है। On January 1st 2015 the प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना PMKSY was approved by the approved for reducing the dependence on the agriculture on the monsoon and providing irrigation facilities to every farm. ठीक है। The Rural Development Ministry of Government of India introduced 3 water set development program till April 1, 2008. These programs are inaugurated. Integrated Westland Program, Development Program and Drought Prone Area Program, Desert Development Program. These programs were brought under the comprehensive program known as the Water Integrated Water Set Management Program. तो ये हमारा था। अब देखिए मेन सोर्स ऑफ इरीगेशन इन पेनिनसुलर इंडिया। अभी पेनिनसुलर इंडिया की बात करें, हमने डिफरेंट डिफरेंट कैनाल्स पढ़े कहाँ कहाँ पे है। अब पेनिनसुलर इंडिया की बात करें तो ये पॉन्ड है। ठीक है, पॉन्ड है पेनिनसुलर इंडिया में, वहाँ से इरिगेशन होता है। एंशियंट टाइम से ही पॉन्ड हैज़ बीन यूज फॉर इरिगेशन इन दीज एरियाज एंड द लैंड ऑफ द पेनिनसुलर इंडिया इज रॉकी, है ना, चट्टानी है। देयरफॉर इट इज़ नॉट पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट कैनाल्स एंड वेल्स इजिली। ठीक है। बिसाइड्स मोस्ट ऑफ द रिवर्स ऑफ पेनिनसुलर इंडिया आर सीजनल ड्यू टू विच देयर इज अ लैक ऑफ वाटर अवेलेबिलिटी फॉर कैनाल्स। ठीक है। In this case, the pond exists as the main means of irrigation. ठीक है। उत्तर प्रदेश, अब यहाँ पे शायद देखिए उत्तर प्रदेश में क्या है, उत्तर प्रदेश 48.78 बिलियन, अभी देखिए डाटा दिया हुआ काफ़ी सारा, उत्तर प्रदेश का है, पंजाब है, मध्य प्रदेश है, महाराष्ट्र है एंड आर द मेजर स्टेट ऑफ इंडिया इन टर्म्स ऑफ वाटर रिसोर्सेज अवेलेबल फॉर इरीगेशन। तो कितना वाटर कहाँ पे है ये जो है बताया जा रहा है। अकॉर्डिंग टू द फिगर 2017 की बात कर रहे हैं, परसेंटेज ऑफ द नेट इरीगेटेड एरिया बाय द वेरियस मीन्स ऑफ यूपी। अब देखिए इसमें दे ही दिया, यूपी के बारे में दे दिया है, आप बिहार बताएंगे। ठीक है। ट्यूबवेल का 70.8% है, क्या है 70.8%, ट्यूबवेल 70.8%, ट्यूबवेल से यूपी में होता है इरिगेशन, और कैनाल से जो है 17.2%। तो ट्यूबवेल बिल्कुल माइंड में रख लीजिएगा, ट्यूबवेल से मैक्सिमम इरिगेशन यूपी में होता है, कैनाल से 17.2% होता है, वेल से 10.2% होता है, टैंक्स एंड लेक से 1.3%, अदर मीन्स जो है 1.8%, सबसे ज़्यादा ट्यूबवेल। और कभी कभी आपको लगाने के लिए भी दे देंगे कि सबसे ज़्यादा फिर सबसे कम, तो ट्यूबवेल सबसे ज़्यादा, फिर कैनाल है, फिर बेल्स हैं, फिर टैंक्स एंड लेक्स हैं, और फिर जो है अदर मीन्स है। तो ट्यूबवेल इज़ द मोस्ट वाइड स्प्रेड मीन्स ऑफ इरिगेशन इन यूपी। ठीक है। तो ये हो गया हमारा जो थियरी वाला पार्ट था। ठीक है। तो ऐसा कुछ नहीं, आप जो है क्वेश्चन जब कर लेंगे तो हो जाएगा। थियरी थोड़ा सा जो हो जाता है ना कि हाँ ठीक है, तो इसको हम जो है अब क्वेश्चन आंसर नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे। ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।